नमस्कार फैक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला अपने ऑपरेशन इंडिया में 2021 में शुरू करने वाली है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है ये जानते हैं। कार कंपनी की बात की जाए तो वो 2021 में इंडिया मूव कर रहे हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? इंडिया तो बिल्कुल मूव करना चाहिए क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है आईटी की। पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं काम कर रहा आईटी में, तो इंडिया में आप देखें कि इस वक्त फ्रीलांस मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, और इस वक्त जो है वो आईटी की इंडस्ट्री इंडिया की पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो इसमें तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी कि मूव कर रही है। हो सकता है आने वाले दौर में और भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में मूव करें। सोचना तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है आईटी में। हालांकि आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटी के मौजूद हैं और बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो एनवायरनमेंट और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ फराहम नहीं की जाती। तो इस वजह से मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इंडिया अगर वो मूव कर रही है तो उसे बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ बिज़नेस मिलता है, आप पाकिस्तान में बिज़नेस देते हैं, पाकिस्तान में ले आएंगे वो। अच्छा, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया में अगर वो मूव करेगी उसकी कुछ एक दो वेरियस रीजंस हैं कि इंडिया की जो अप्रोच है और जो उनकी मार्केट है वो काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है। क्योंकि अगर आप गूगल की एग्जांपल लें या और भी ऐसे ब्रांड्स की एग्जांपल लें, वो सब इंडिया में आ रहे हैं। यकीनन वो मार्केट बड़ी है, वहाँ जो डिमांड है वो ज़्यादा है, और इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पे उसका इमेज इस वक्त जो भी नेगेटिव जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए बिज़नेस के हवाले से वो इंडिया काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ ऊपर जा रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज पानी का जो बहाव है वो नीचे की तरफ ही होता है। इट्स अ वेरी बिग इकॉनमी, वहाँ पे परचेजिंग पावर भी है। आप उनके सिटीज़ देख लें, आईटी सिटीज़ उनका दुनिया में सबसे मशहूर है। इवन के मैम आप आज कश्मीर आज़ाद कर दें तो उसका झुकाव भी इंडिया की तरफ ही है। तो हमें अपनी बेसिक्स पहले ठीक करनी है। हम उस कंपनी को क्या देखें जब हमारे पास अपनी इस तरह की कोई प्रोडक्शन नाम की चीज़ ही नहीं है। और आखिरी चीज़ जो हमने बनाई ना जी, वो खुदकश था आखिरी चीज़ जो हमने बनाई है। तो हम आगे नहीं जा सकते जब तक हम अपनी बेसिक्स ठीक नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर है। सारे जो कंट्रीज़ हैं वो यही चाहती हैं कि वो उनकी तरफ जो है वो कदम बढ़ाएं, ताकि क्योंकि पाकिस्तान की करंसी या इकोनॉमी जो है ना वो इतनी पावरफुल कह लें या इतनी वो नहीं है, इसलिए सारी जो कंट्रीज़ हैं वो यही चाहते हैं कि वो जो है वो उनकी तरफ मूव ऑन करें। अच्छा जी, मेरा अगर आप ओपिनियन लेती हैं तो मेरा ये है कि उनकी इंडियन इकोनॉमी जो वो बेहतर है और इस वजह से वहाँ पे कंपनीज़ जो है वो मूव कर रही हैं। बेसिकली सब पाकिस्तानी का ख्वाब यही है कि इसी तरह जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ में यूएस कंपनीज़ जो है वो मूव कर रही हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी मूव करें। रिसेंटली अच्छी बात है कि दूसरी कंपनीज़, एक फर्नीचर की कंपनी सुनने में आया है और एक दो इलेक्ट्रिक कार्स भी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं पाकिस्तान में। तो होप फॉर द बेस्ट यही है कि उम्मीद यही है कि फर्दर जो अभी आ रही हैं कंपनीज़ तो वो पाकिस्तान में लेकर आएंगी और वो ग्रो करेंगी। और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही अपील करूंगा कि अपनी पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल बनाएं। जी, इस हवाले से मेरी राय यही है कि ये इंडिया हो गया, इसराइल हो गया और ये बाकी कुछ मुल्क हैं, ये आपस में एक ही हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारी हुकूमत तुर्की के साथ रابطہ करे, मलेशिया के साथ रابطہ करे, वो माशाल्लाह तरक्की पज़ीर ममालिक हैं। तो हमको उनकी जो कंपनीज़ हैं, उनके जो फ्रेंचाइज हैं, वो हमें लेनी चाहिए। ये हमारी खारजा पॉलिसी को चाहिए ना थोड़ा सा, कि जो है जिस तरह से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो दुनिया की कंपनीज़ को अपने मुल्क में लेके आ रही हैं, तो इस तरह से हमारी खारजा पॉलिसी को चाहिए कि वो जो है थोड़ा सा इस पर फोकस करें। फरहान, अगर बात की जाए जिस तरह वो बहुत सी कंपनीज़ जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंडिया मूव कर रही हैं, सैमसंग की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, और अब टेस्ला है, और इसके साथ साथ मज़ीद बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया मूव कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय? इंडिया देखें अपने बिज़नेस के लिए उनको कंफर्टेबल माहौल फराहम करता है, इस वजह से तो वो वहाँ जाते हैं। तो कहना का मकसद ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटी के हवाले से, आप उनको ये एनवायरनमेंट फराहम करें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें, बल्कि ले के आना चाहिए। आपको लॉकडाउन में कोरोना ने बता दिया कि दुनिया चल सकती है,
तो आप इससे आपको लर्न करें, आप सीखें इससे कि पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री में, आईटी के शोबे में काम बहुत ज़्यादा होना है। तो हमें सोचना चाहिए, इंडिया तो जो कर रहा है वो तो मेरे नज़दीक उसके लिए और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती जाए। मैं समझता हूँ कि खाली ये कंपनीज़ नहीं, आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंडिया में ज़ाहिर बात है और कंपनीज़ भी आएंगी, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि इंडिया की जो, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है, उनकी मार्केट काफ़ी बेहतर है। और इंडिया, मैं फिर कहता हूँ कि खाली इन ब्रांड्स की बात नहीं है, और इसके अलावा कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आएंगे। अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए, पाकिस्तान में अभी नहीं आए वो ब्रांड्स, ठीक है। तो इंडिया की मार्केट बड़ी है, इवन आप ये देख लें कि उनका जो CEO है गूगल का, वो भी इंडियन ही है, और इसके अलावा भी कई कंपनीज़ हैं जिनका जो चीफ है या जो हेड है वो इंडियन ही हैं। तो यकीनन इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया में ही आएंगी आने वाले टाइम में। पाकिस्तान को भी थोड़ा टाइम है। बात तो वहीं पे आके रुकती है ना कि जो जो चीज़ जहाँ पे बिकेगी वहीं पे उसकी मार्केट है, तो वो मार्केट इंडिया में है इस वक्त। आप सिर्फ एक कंपनी की बात करें, उसके अलावा जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो इंडिया में ही है इस वक्त। आप पेप्सी को देख लें, ओरिजिनेट कहाँ से होती है और उसका स्टेक कहाँ पर है। आप उनका सिर्फ एक प्रोडक्शन देख लें, IPL देख लें, उसमें पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है। उसके रीजंस क्या है? क्योंकि वहाँ की इकॉनमी बड़ी है। सिर्फ आप क्रिकेट ग्राउंड हमारा देख लें, 10,000 बंदे का, उनका 1,10,000 बंदे का। तो ये जो 1,00,000 का डिफरेंस है, ये रेशो हर जगह पे फॉल होगा। तो इस हवाले से हमारी जो है ना हुकूमत को चाहिए कि ये इनको रिलीफ दें, उनको टैक्स फ्री दें और उनको यहाँ पे लेके आए। अगर वो नहीं, तो उनके अलावा और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पे आके काम कर सकती हैं। तो वही बात आ गई जो पहले मैंने अर्ज़ की कि इनको अपनी थोड़ी सी खारजा पॉलिसी। दूसरी बात ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर हम सबसे बड़ी होती है करंसी आपकी, जो आपका मुल्क है उसकी करंसी, हम करंसी में और बाकी चीज़ों में बहुत पीछे रह गए हैं। तो हम लोग ये एप्पल और जो इस तरह की कंपनीज आप बात कर रही हैं, तो उनके साथ हम, मेरा ख्याल है कि हमें बहुत टाइम लगेगा उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने में। बींग एज ए मुस्लिम कंट्री, हम लोगों को इतना वो लोग सपोर्ट नहीं करते जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। वो यहूदी लॉबी है, यहूदी लॉबी जो है वो डेफिनेटली नॉन मुस्लिम्स को सपोर्ट करेगी। दिस इज़ आल्सो द रीज़न कि वो जितनी भी फॉरेन बेस्ड कंपनीज़ हैं वो इंडिया को प्रेफर करती हैं इन पाकिस्तान के मुकाबले। अच्छा सर, अगर बात की जाए पाकिस्तान कहाँ गलती कर रहा है जिस तरह इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है और बन रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे गलती कर रहा है कि वो वर्ल्ड फोरम में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा? उसकी रीज़न ये है कि जी ये देखें, जो हमारे अपने लोग हैं ना, उन्होंने जो है ना हुकूमत को टफ टाइम दिया हुआ है। अब वो या तो मुल्की हालात को देखें या वर्ल्ड लेवल को देखें, यहाँ पर आए दिन जो है कभी जलसे जुलूस हो रहे हैं, कभी धरने दिए जा रहे हैं। तो इन सबको चाहिए कि मुल्क की खातिर कुछ करें, अपनी अपनी जमात से हट के जो है ना, वो नून लीग वाले जो हैं वो अपनी करप्शन बचाने के लिए जो है धरने दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले अपनी करप्शन बचाने के लिए धरने दे रहे हैं। इनको चाहिए मुल्क के लिए भी इस तरह से निकलें, हुकूमत का साथ दें। ठीक है, वो अपोजिशन का किरदार होते ही जो है मुजाहमत करना है, तो वो मुजाहमत करें, लेकिन जब मुल्क की बात है तो इन सबको जो है मिल बैठ के, वो तजर्बाकार हैं माशाल्लाह, 20-20 साल हुकूमत करके गए हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके साथ बैठें, इनको बताएं कि यार इस तरह से बिजनेस पढ़ाएं। लेकिन बात वही आ जाती है कि उनको मुल्क से प्यार नहीं, उनको अपनी पार्टी से प्यार है। चाहिए कि मेरिट सिस्टम सबसे पहले लेके आए, क्योंकि जब मेरिट नहीं होगा तो अंदरूनी मामला भी ख़राब रहेंगे, बैरूनी भी ख़राब रहेंगे। तो मेरिट का इमरान खान साहब बड़ा दावा करते थे, हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो है वो मेरिट पर काम करें। हो गए इंडिया में भी नहीं होता, लेकिन हाँ वो ये है कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर लेते हैं। तो इस हवाले से मेरा तो ये है कि पाकिस्तान मेरिट पे जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उसे जो कि नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक नहीं कई इशूज़ हैं एक्सटर्नल, ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो उन्हें एक्सटर्नल इशूज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनसे कम है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो टेररिज्म का एक पाकिस्तान पर लेबल लगाया गया, मेरे ख्याल से उसका रिस्पॉन्सिबल इंडिया ही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर लेबल लगा कि इस तरह पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। तो जाहिर बात है जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए इनसिक्योरिटी हुई पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान है उसमें भी ब्रांड्स आएंगे, लेकिन हाँ इंडिया हमसे कहीं ना कहीं बेहतर है जो ब्रांड लाने में इंडिया के अंदर। लेकिन जी वो लोग मुहिब्बे वतन हैं, उनमें पेट्रियटिज्म बहुत ज़्यादा है, हमारे लोगों में नहीं है। हमारे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो जाने के बाद कहते हैं कि इंडिया में दहशतगर्दी हमने करवाई थी। तो ये प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है, वो लोगों को उसने ऊपर लाना है। इवन के जो प्रेजेंट रिजीम है उसने प्रेजेंट आवाम के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया हुआ। अब जो आपका मुर्गी का रेट है वो अंडे के रेट के साथ क्या कम्पीट कर रहा है? बराबर चाह रहे हैं दोनों के दोनों। तो वो ये चीज़ तब तक ठीक नहीं होगी। असल में पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो पैसा पाकिस्तान में है ही नहीं, वो सारा बाहर पड़ा हुआ है, स्विस अकाउंट्स में, यूरोप में।
तो क्योंकि हम को यहाँ पे लगता ये है कि हमसे छीन लिया जाएगा जो अब छीना जा रहा है। यानी कल ही की बात है, मैं पेशावर टू लाहौर ट्रैवल कर रहा था मोटरवे में, डेट वॉज यूज टू बी आई थिंक 760 रुपीज़ जो टोल था, अब वो 1100 प्लस हो चुका है। किसी को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये कहते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है जी। अब आएगा जाएगा 400-800 रुपए बनते हो, तो एक टोल आपने एक्स्ट्रा दे दिया, वो पैसा कहाँ जाता है कोई आपको बताने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है। पूछा किन से जा रहा है, जो फाइलर थे और इस साल गलती हो गई है, वो बीमार था, उसको मस्ता था और वो फाइलिंग नहीं कर सका, तो उसको नोटिस जा रहा है। यानी जिसने निकाह किया हुआ है मैम, मुसीबत उसी के गले में है। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि पॉलिसीज़ जो है ना वो मैटर करती हैं किसी भी कंट्री के लिए, कि वो दूसरी कंट्री के साथ किस तरह हैंडशेक करते हैं और किस तरह से लाइक वो इनवाइट करते हैं और वो पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हमारे मुल्क में इनवाइट करते हैं आके काम किया जाए। यहाँ पे सियासी दंगल ख़त्म होगा तो कुछ होगा ना, पार्टीज आपस में लड़े जा रही हैं एक दूसरे को ऊपर नीचे करने के चक्कर में, उन्हें नहीं है कि भाई आवाम की बेहतरी के लिए या मुल्क के लिए कुछ स्ट्रगल करें, वो आपस में तीनों पार्टीज़ हैं, वो दे आर फाइटिंग ऑल द टाइम। तो जब तक हमारा बेस सॉलिड नहीं होगा, घरों में भी देख लें आप, जब घर सॉलिड जो फैमिलीज़ होती हैं वहीं पे लोग ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फाइटिंग फैमिलीज़। तो सेम पाकिस्तान को यह है कि पहले अब पॉलिटिकली इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, आफ्टर दैट हम किसी को देख सकते हैं कि भाई कोई हमारे मुल्क में आएगा हमें हेल्प करेगा। एक तो हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है, लेकिन गुर्बत ज़्यादा है, दूसरी बात यह कि हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते उस तरह से जिस तरह बाकी लोग करते हैं। हम लोगों ने सोशल मतलब अगर जैसे बाकी कंट्रीज़ की देखी जाए, यूथ बहुत काम कर रही है और हम लोगों के यूथ जो है वो बस सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ों को, तो थोड़ा ये है कि हमें फॉलो करना चाहिए चीज़ों को, सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अगर हम मिल के चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा, किसी एक बंदे के करने से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग मुझे अगर कोई टॉपिक या क्वेश्चन सजेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे Instagram पे मुझे मैसेज करके वो वीडियो वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।